सैटरडे है और मैं सुबह जल्दी उठ गया था। सुबह उठ के मैं अपना जिम कंप्लीट कर लिया। आज पूरे 2 आवर की मैंने वर्कआउट किया शोल्डर एंड एब्स, और वर्कआउट करके मैं वापस आया, ब्रेकफास्ट किया और अगले एक्टिविटी के लिए मैं निकल गया अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि बहुत ही नज़दीक में है, इसलिए मैंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। और ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमारे साथ आप देख रहे हो कितने लोग साथ में हैं। और मैं ये मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ ताकि मुझे जो है ट्रैफिक पुलिस वाले ना पकड़े, क्योंकि मैंने हम लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा हुआ है। और क्योंकि हेलमेट इसलिए नहीं पहना कि ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक 500 मीटर पर ही हम लोग जाना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का डे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज कुछ अलग दिखाने वाला हूं आप लोगों को। हम लोग अभी पहुंचे हैं एक स्पोर्ट्स क्लब में, और मेरे पीछे इसका नाम लिखा हुआ है अरीना 100। मैं आपको रिवर्स में कैमरा दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, और हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये है अरीना 100 का प्लेस, जहाँ पर हम लोग आए हैं स्विमिंग करने के लिए। एक्चुअली में ये स्पोर्ट्स क्लब है एक्चुअली में, तो यहाँ पर लोग आते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, और हम लोग भी आते रहते हैं यहाँ पे, हर वीकेंड में आते रहते हैं। हर वीकेंड तो मैं नहीं आता हूँ, बट मेरे जो फ्लैट में भैया लोग रहते हैं बगल में, वो तो आई थिंक इस मंथ में हर एक मंथ आए हैं, मतलब हर एक वीकेंड आए हैं इस मंथ में, हर एक वीकेंड आए हैं वो लोग। तो आज हम लोगों का कुछ बड़ा ही ग्रुप है, 5 पीपल का ग्रुप है, तो मज़ा करेंगे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे। तो आपको मैं दिखा दूँ, ये जो है आई थिंक ये पार्टी हॉल है इधर, और इधर ये स्पोर्ट्स के लिए एंट्री है। बहुत ही अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा है। ऊपर से वेदर भी बहुत ही सेक्सी है, आप देख रहे हो थोड़ी सी क्लाउडी है और मस्त हवा चल रही है। तो चलिए विदाउट एनी डिले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा एरिया कैसा है यहाँ का। तो ये है इसका रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पर टेनिस कोर्ट भी है और बैडमिंटन कोर्ट भी है। और यहाँ पर आगे जाने पर यहाँ पर लेफ्ट में बैडमिंटन कोर्ट है, जहाँ पे सारे लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं बैडमिंटन खेल के। वैसे बैडमिंटन तो मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा, बट मैं आज आया हूँ स्विमिंग करने के लिए। ये देखो क्या मस्त है ना, क्या मस्त फ्लोर है, फ्लोरिंग यहाँ की बहुत मस्त है। और ऐसे एक बार मैं जब ऑफ मॉलिक्स में था, तो मैं एक बार गया था बैडमिंटन खेलने के वाइट फील्ड में, उसकी फ्लोरिंग ऐसी नहीं थी जिससे ये। और यहाँ पर ये टेनिस कोर्ट, सॉरी यहाँ पर ये टेबल टेनिस कोर्ट है, जहाँ पर आई थिंक एक ही टेबल टेनिस दिख रहा है मुझे तो। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिटी में नियर बाई एरिया में है, तो यहाँ पे आने में हम लोगों को परेशानी नहीं होती है, जस्ट बगल में ही बाइक उठाते हैं और चले आते हैं। और इधर क्या है देखते हैं, इधर मुझे लग रहा है कि कुछ गेम के लिए या फिर पार्टी हॉल होगा। आई थिंक ये अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ है नहीं, मे बी पार्टी हॉल होगा शायद। आज ज़्यादा रश नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन बेसिकली वीकेंड में यहाँ बहुत ज़्यादा ही रश होता है स्विमिंग में। तो आपको दिखाते हैं इस साइड में क्या है, यहाँ पे भी आई थिंक ना कंस्ट्रक्शन ही है, ये कुछ भी नहीं है इधर। और ये कॉन्फ्रेंस रूम, अगर कोई इवेंट्स बिजनेस मीटिंग्स वगैरह हो तो इसके लिए, और यहाँ पे भी आई थिंक उसी के लिए कुछ होगा, ये ओपन एरिया है। और ये रहा स्विमिंग का प्लेस, ये रहा स्विमिंग पूल, जहाँ पे हम लोग गोता मारने वाले हैं। आज बहुत कम ही भीड़ दिख रहा है यहाँ पे, वैसे लास्ट वीकेंड आया था तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही हम लोग को वेट करना पड़ा था, और आज तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे मौसम तो बहुत ही सेक्सी है, और इस सेक्सी वेदर में स्विमिंग करने में और भी मज़ा आएगा। और उधर देखिए सारे लोग रेडी होकर बैठे हुए हैं स्विमिंग के लिए। और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल, जहाँ पे थोड़ी देर में मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है, देखे पानी को देखते ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। वैसे तो कब तक चलना है, बस 10 मिनट और, आपका इंतजार कर रहे। अच्छा, मेरे इंतजार था, चलिए तब चलते हैं। बात लेने के लिए इधर चेंजिंग रूम है, तो पूरा व्यवस्था किया गया है। वैसे अगर लेडीज लोग आते हैं इधर, लेडीज़ के लिए रेस्टरूम है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और भाई बंधु लोग कपड़े चेंज करना स्टार्ट कर दिए, मैं भी फटाफट रेडी होता हूँ। गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने कैप भी लगा लिया है और ईयर प्लग भी लगा लिया है, मेरे पास गॉगल्स भी है, स्विमिंग गॉगल्स भी है। बट अभी लोग इंजॉय कर, हम लोगों ने बॉल का भी जुगाड़ कर लिया, और स्विमिंग पूल में बॉल खेलने का अलग ही मज़ा है। अरे ये क्या था, बच्चों की तरह लोग बॉल खेल लड़ रहे हैं कि मुझे फेंको मुझे फेंको मुझे फेंको, बट अलग ही मजा आ रहा है बिल्कुल। अरे इनको भी कोई बॉल दो भाई, बॉल भाई बॉल दो। मनीष कैच द बॉल, मनीष कैच द बॉल एंड थ्रो इट, ऑन माय साइड। बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। अरे बॉल तो आगे बढ़ती जा रही है। ये देखो मनीष भाई को तैरने की कोशिश कर रहे हैं।
सबसे बड़े तैराक तो हमारे यही हैं, देखिए वर्ल्ड चैंपियन है ये इंडिया के, इनको मस्त आती है स्विमिंग लेकिन, है ना। और दूसरा मेरे विशेषर भाई कोशिश कर रहे हैं तैरने की, वो कोशिश कर रहे हैं तैरने की, धरती का पानी हिला देंगे। आज वैसे रस कम है। आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ, इसलिए मैं सब जुगाड़ लिखा हूँ, मैं पानी में ब्लॉग बनाऊंगा आज, इसमें डाल दूंगा तो फिर इजी पड़ेगा मेरे को, पानी ब्लॉक कर सकता हूँ। चलिए मेरा भी पानी में जाने का टाइम हो चुका है, मेरे भी एक्साइटमेंट बहुत हाई है और सब कोई मुझे रोका नहीं जा रहा है, तो मैं चलता हूँ पानी में सीधा। हम लोगों का स्विमिंग हो चुका है अभी खत्म, पूरे एक घंटे हमने स्विमिंग किया, बहुत ही मजे किए। अब वापस निकलेंगे घर और खाएंगे मस्त बिरयानी, क्योंकि बिरयानी बना है और ये भैया बिरयानी नहीं खाते हैं, देखो ये सब। अरे